किया, इसको शुभारंभ करने के लिए हम शरीक हुए। साथ में हमारे प्राइमरी स्कूल कसाकरा के बच्चे भी साथ ही। मैं तो पहली बार जब देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा यहाँ अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ें जैसे क्रिकेट वगैरह तो मैंने चंडीगढ़ में खेली थी, वो मेरे को यहाँ चंबा में देखी ना, तो हमारे जैसे जो एक खराब क्रिकेट प्लेयर उनके लिए अच्छा हो गया प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। मैं कह रहा हूँ बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है और एक वैरायटी जो है यहाँ के लोगों से जो है मिली है वो एक अच्छी चीज़ है। और सरकारी इनिशिएटिव के साथ साथ अगर प्राइवेट इनिशिएटिव भी हो तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी लोगों से। सर आपने आज आपने क्रिकेट खेला, सर कैसा लगा और कितने छक्के मारे सर? हाँ ये क्रिकेट बहुत ज़रूरी था, ये तो मैं बहुत आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, इसकी बॉल बड़ी स्विंग हो गया रही है। अच्छा मुझे लग रहा था आसान होगी, बट हालांकि जब मैं मुझे खेल के लगा कि मैं आसानी से खेल गया, बट फिर बताया कि ये मिनिमम स्पीड थी, इसकी मैक्सिमम स्पीड शायद 150 बता रहे हैं, 150 में तो बोल और वो बता रहे हैं स्विंग हो गया। तो देखेंगे उसको भी ट्राई करेंगे पैड वैड पहन के। सर इसको आप कैसे एजुकेशन के हिसाब से भी कुछ बच्चों को जैसे कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि जैसे वर्चुअल रियलिटी की मुझे बता रहे हैं कुछ गेम्स हैं यहाँ, ठीक है अच्छी बात है। अगर बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते रहे तो भी उनका जो माइंड है वो इतना डेवलप नहीं हो सकता। मेन चीज़ ये है कि और सिर्फ गेम से भी नहीं हो सकता, दोनों चीज़ों का एक जो एक वैराइटी अगर बच्चों को रहेगी तो ठीक है, थोड़े और स्मार्ट होते हैं। जैसे इसमें कई बच्चों के लिए बास्केटबॉल वाली गेम है, ठीक है फिजिकल एक्टिविटी भी है सब। मेन चीज़ ये है कि जो वैरायटी है वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हम स्विमिंग पूल की बात करते हैं, स्विमिंग पूल भी खुल जाएगा तो अच्छी चीज़ें अभी वो एक हिसाब से बात हुई। एजुकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिटरेसी ना हो गई, एक ओवरऑल डेवलपमेंट ओवरऑल चलिए। जिस तरह से प्राइवेट इनिशिएटिव पब्लिक इनिशिएटिव हर तरीके से जिस भी तरीके से बच्चों को कोई नई फैसिलिटी मिले अच्छी बात है, वैसे भी बच्चे आजकल मोबाइल पे लगे रहते हैं और चीज़ों में सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
Thank you.
cool.